इस वक्त आप हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कैंपस के ठीक सामने मुख्य द्वार पर, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय भारत रंग महोत्सव शुरू हो चुका है। ये 20 फरवरी तक चलेगा और इस उत्सव के बारे में हम आपको एक झलक दिखा रहे हैं कि किस तरह का यह माहौल है और किस तरह से इसे सजाया गया है उस उत्सव के लिए। आपको बता दें, इस उत्सव में ये भारत महोत्सव जो है, ये इसका 20वां संस्करण है और 20वें संस्करण में इस बार करीब 100 से ज़्यादा नाटक हो रहे हैं और इन 100 नाटकों में देश के विभिन्न राज्यों के नाटक, लोक कलाएं और प्रमुख डायरेक्टर्स के साथ बातचीत तो है ही, और साथ ही यहाँ पर इस भारत रंग महोत्सव में, इसके 20वें संस्करण में करीब 15 विदेशी नाटकों का भी मंचन हो रहा है। ये मंचन शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा इस पूरे कैंपस को भारत रंग महोत्सव के लिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। हर जगह यहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए हैं नाटकों के, और इन पोस्टर्स में बताया गया है कि यहाँ पर कौन से नाटक हो रहे हैं। एक पूरा संस्कृति और कला का माहौल है। यहाँ पर देश भर के कलाकार आए हुए हैं जो रंगमंच विधा से जुड़े हुए हैं। ये मुख्य द्वार के अंदर कैंपस में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की सफ़ेद रंग की बिल्डिंग के सामने के लॉन में वो जगह है जहाँ पर एक अलग तरीके से सज्जा की गई है, और यहाँ पे मंचित हुए नाटकों के पोस्टर्स लगाए गए हैं। ये पोस्टर्स बता रहे हैं कि यहाँ कौन कौन से नाटक हो रहे हैं या कौन से नाटक मंचित हो सके हैं। एक और खूबी है इस आयोजन की, यहाँ पर हर दिन नाट्य कलाओं के ऊपर चर्चा चल रही है, नुक्कड़ नाटक खेले जा रहे हैं। दिल्ली के 100 से ज़्यादा कॉलेज यहाँ पर नुक्कड़ नाटक प्रतिदिन मंचित कर रहे हैं, और इस वक्त आप इस पेड़ के नीचे आप देख सकते हैं कि जो नाटक, नुक्कड़ नाटक खेले गए हैं, उनके कलाकारों से बातचीत चल रही है कि उन्होंने आखिर क्यों अपना ये नुक्कड़ नाटक जिस खास विषय पर किया है, मुद्दे पर किया है, क्यों किया है, उस पर किस तरह की उन्होंने रिसर्च की है और क्यों इस तरह से बना के प्रस्तुत किया है, इन युवाओं के मन में क्या कुछ चल रहा है, ये जानने की कोशिश की जाती है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कलाकारों के ज़रिए और यहाँ पर आए हुए समीक्षकों के ज़रिए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट यहाँ पर होते हैं, साथ में वो कलाकार जो कॉलेज से जुड़े हुए हैं और दूसरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं रंगमंच के, जो यहाँ पर नाटक करने के लिए आते हैं। इसके अलावा हम लॉन में दूसरी तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको एक इस सफ़ेद रंग की नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बिल्डिंग के ठीक सामने एक आपको स्कूल एंड रेपेटरी प्रोडक्शन एग्जीबिशन भी दिखाई देती है। इस एग्जीबिशन में भी आप रंगमंडल के साथ ही यहाँ पर मंचित हुए दूसरे नाटकों के पोस्टर्स देख सकते हैं। विशेषकर वो प्रस्तुतियाँ हैं जो यहाँ पर रंगमंडल ने खेली हैं। इसकी एक खुले लॉन में प्रदर्शनी लगाई गई है, इस प्रदर्शनी को भी आप देख सकते हैं। इस प्रदर्शनी में ख़ास बात ये भी है कि इसमें न केवल रंगमंडल की प्रस्तुतियों के पोस्टर्स दिए गए हैं, इनको एग्जिबिट किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, बल्कि यहाँ पे कुछ पुराने दौर के नाटकों को भी याद किया गया है। आपको वो पुराने कलाकार इनको देखते हुए याद कर सकते हैं उनके मंचनों को, जो आज सिनेमा में या रंगमंच की दुनिया में छाए हुए हैं या जिन्हें अब भी मंच पर जीवंत रूप से प्रस्तुतियां देते हुए देखा जा सकता है। यहाँ पर उन नाटकों को भी प्रदर्शित किया गया है जो रंगमंडल के अलावा
स्टूडेंट्स यहाँ पे करते रहे हैं फाइनल ईयर्स के, उनके भी पोस्टर्स यहाँ पे एग्जिबिट किए गए हैं। एक पूरा तौर से एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है, बताया गया है कि किस तरह से कलाकार यहाँ पर नाट्य विधा के हर पक्ष को समझते हैं, सीखते हैं, मंचित करते हैं और अपनी कला की दुनिया को इस भारत में जीवंत रखते हैं। आप इन कलाकारों को देखते हुए महसूस कर सकते हैं कि किस तरह की पोशाकें, किस तरह का वातावरण, किस तरह के दृश्य रचे जाते हैं और किस तरह से यहाँ काम होता रहा है। एग्जीबिशन के ठीक पीछे की तरफ अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर थिएटर बाज़ार भी बनाया गया है। थिएटर बाज़ार असली में यहाँ के जो देश के वो कलाकार जो शिल्प विधा से जुड़े हुए हैं, पेंटिंग से जुड़े हुए हैं, लेखन से जुड़े हुए हैं, उनकी भी एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। ये प्रदर्शनी के स्टॉल्स आप सामने की तरफ देख सकते हैं, ये पूरा आप दृश्य देखेंगे, काफ़ी दूर तक ये प्रदर्शनियाँ या स्टॉल्स लगे हुए हैं और इन प्रदर्शनियों में कई तरह के शिल्प और कलाओं से जुड़ी जो लोक कलाएं हैं उनके स्टॉल्स यहाँ लगे हैं, जहाँ लोग आते हैं, देखते हैं और अपनी तरह से चुनाव भी करते हैं कि उन्हें क्या लेना है। सीखते भी हैं, यहाँ कलाकार भी हैं जो अपनी कला को यहाँ प्रदर्शित करते हुए बनाते हुए नज़र आते हैं। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से आए हैं और आप तो कठपुतली कला के कलाकार हैं और साथ में आप ये लकड़ी पे भी अपना काम कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? चमनलाल जी नाम है। चमनलाल जी, आप चमनलाल साहब, आपका पुष्टों से ये काम चल रहा है? ये हमारे पुरखों को, हमारे बुजुर्ग भी यही काम करते थे। अच्छा, और हम वीडियो से काम करते आ रहे हैं। अच्छा, तो ये जो आप बना रहे हैं इसके बारे में हमें कुछ बताएं। ये तो वो कला है जी, इसको लोग ले जाते हैं, हाँ, घरों में सजाते हैं, हाँ, और ये मतलब अपने शोपीस की जगह रखते हैं, हाँ, कुछ लोग शोपीस की जगह रखते हैं, कुछ गिफ्ट भी देते हैं किसी को। जी जी, नहीं वो तो एक एक उसका होगा, लेकिन आप जो बनाते हैं ये सीखा कैसे आपने? ये हम लोगों ने, हमारे बाप दादा यही काम करते थे। हाँ, जैसे हमारे दादाजी यही काम करते थे, पहले कठपुतली का खेल करते थे जी, उसके बाद में फिर उन्होंने ये आस्ते आस्ते कठपुतली बनाना सीख गए जी, तो उसके फेस भी खुद ही हम बनाते हैं जी, जी चेहरे होते हैं ये कठपुतली के चेहरे, हाँ हाँ, चेहरे बनाते हैं, उसके बाद में कपड़ा पहनाते हैं इनको जी, रंग रोगन करते हैं, हाँ, ऐसे ऐसे करके इसको बस कला को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये देख सकते हैं इनके इंस्टॉल में हाथी घोड़े लगे हुए हैं, झूमर जैसे जिसे आप सजा सकते हैं, सजावट की वस्तुएं हैं, कठपुतलियां हैं और दूसरे कई इनके बनाए हुए साजो सामान हैं, शिल्प विधा है। अंदर भी कठपुतली तैयार हो रही है। कठपुतली को आप जानते ही हैं कि बच्चे बड़े शौक से देखते हैं, उनके माध्यम से कहानियां दिखाई जाती हैं। यहाँ पे पेंटिंग्स की भी बहुत सी एग्जीबिशन लगी हुई है।